हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 21। क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ एल एंड एम आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट एल एम पैरेलल टू बी सी प्रूव दैट दिस। चलिए देखते हैं, हम लोग पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं यहाँ पे ए बी और यहाँ सी। क्या कह रहा है कि एल पॉइंट लेना है आपको यहाँ ए बी पर और M पॉइंट ले लेना है यहाँ पर AC पर और इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे ये LM जो है ना पैरेलल दिया हुआ है BC के, ये हमारे पास गिवन है। तो बाकी इन सबको प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है, फर्स्ट में देखिए ट्रायंगल LCM ये हो जाएगा इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल LBM ये हो जाएगा। फिर आगे क्या कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल LBC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल MBC ये भी हो जाएगा। चलिए हमारा ये सारा हो जाएगा, ठीक है ना जी। अच्छा एक और यहाँ पे दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल LOB, इसका मतलब कि ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तभी LOB और ये आपका MOC हो पाएगा, है ना जी। ये नहीं दिया है यहाँ पर। चलिए चलिए अब इसके बाद लिखते हैं गिवन और फिर टू प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC L एंड M आर ऑन द AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, ठीक है ये दिया हुआ है और ये भी दिया है कि LM पैरेलल है BC के। टू प्रूव क्या प्रूव करना है फर्स्ट में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल LCM इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल LBM। सेकंड में क्या दिया है जी, सेकंड में हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल LBC इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल MBC। फिर थर्ड में क्या है, थर्ड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACL। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका फोर्थ बिहेवियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल LOB इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल MOC। चलिए अब इसके बाद हम लोग ये करके सबको प्रूफ करेंगे। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे पास LM जो है ना पैरेलल है BC के, ये गिवन है हमारे पास। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ जो दो ट्रायंगल दिखाने हैं, ट्रायंगल LCM एंड ट्रायंगल LBM, देखिए ध्यान से LCM और LBM दोनों का सेम बेस है, आर ऑन द सेम बेस LM एंड बिटवीन द सेम पैरलर्स कौन कौन सा जी, LM एंड BC। तो इनका एरिया इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहीं से एरिया ऑफ ट्रायंगल LCM इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल LBM, ठीक है ना जी। चलिए तो अब ये आपका इसके बाद, अच्छा इसे हम चाहो तो ऐसे भी सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल LBM इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल LCM, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने पलट के लिखा है। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, हमने अभी ये फर्स्ट वाला प्रूफ किया है, ठीक है। अब सेकंड वाले के लिए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसके सेकंड के लिए। हमें दिखाना है सेकंड में कि LBC ये और यहाँ पर दूसरा आपका है MBC, इन दोनों का एरिया दिखाना है। चलिए देखते हैं सेकेंड के लिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे LM पैलेट दिया है ना BC के, बिल्कुल ये गिवन है। तो जब ये पैलेट दिया है तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल LBC एंड ट्रायंगल MBC आर ऑन द सेम बेस BC एंड बिटवीन द सेम पैरलर्स, ठीक है, सेम पैरलर्स LM एंड BC, इनका एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल LBC
इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी सी, ठीक है ना, ये आपका प्रूफ हो गया। थर्ड नंबर में क्या दिखाना है, थर्ड नंबर दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एल ओ बी और एम ओ सी ये इक्वल होगा। तो देखो इसको दिखाने के लिए या तो ये वाला जो रिजल्ट है इसमें से ये बी ओ सी एरिया बोथ साइड घटा लो, या इक्वेशन फर्स्ट में देखो ये जो है इसमें बोथ साइड में ये एल ओ एम घटा लो, तो दोनों तरीके से हो जाएगा, है ना, जो आपको अच्छा लगे उसे कर दो। अच्छा मैंने तो फोर्थ के लिए बता दिया ना, फोर्थ में था, थर्ड में कुछ और था। थर्ड में दिया है ए बी एम और ए सी एल का एरिया इक्वल, तो एक काम करते हैं हम लोग इक्वेशन जो फर्स्ट में आया है इसी में ऐड कर देते हैं ये ए एल एम, तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एल एम इन इक्वेशन फर्स्ट टू बोथ साइड। चलिए देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एल एम प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एल बी एम इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एल एम और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एल बी क्या था जी एल सी एम। चलिए ध्यान से देखिए अगर ये ऐड होगा तो क्या होगा, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एल एम ये वाला और यहाँ पर एल बी एम ये मिलके क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम हो जाएगा और इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एल हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना तो हो गया। अब फोर नंबर के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल एल ओ एम टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल बी एम, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल ओ एम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल सी एम माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एल ओ एम। तो देखिए ध्यान से एल बी एम में से एल ओ एम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एल ओ बी और इधर देखिए आपका ये आपका एल सी एम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एल ओ एम तो यही यहाँ बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या बच जाएगा एम ओ सी बच जाएगा। तो आप अब लिख सकते हैं नीचे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर हो जाएगा एल ओ बी और इधर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एम ओ सी, ये भी हमने प्रूव कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन फिगर 14.86 ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी और बी डी ई ये वाला दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है डी। फिर क्या करें, ए इंटरसेक्ट बी सी इन एफ, ए ई इंटरसेक्ट बी सी एट एफ, यहाँ देख रहा है प्रूव डेट दिस। चलिए देखते हैं हम लोग क्या गिवेन है और क्या प्रूव करना है। गिवेन में है ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच डेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। क्या करा कि ए इंटरसेक्ट्स बी सी इन एफ टू प्रूव क्या प्रूव करना है, फर्स्ट में कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई जो होगा वह 1/4 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। फिर सेकंड में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई जो होगा वो 1/2 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ई के, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में है दिखाना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी हो जाएगा। फिर फोर्थ में क्या हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू में 2 times ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी। अच्छा फिफ्थ नंबर में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी इक्वल टू में 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी, ठीक है। और इसका सिक्स नंबर देखिए क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई इक्वल टू में 2 times ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ डी। चलिए अब इसको हम लोग एक एक करके सब प्रूफ करेंगे। चलिए हम लोग फर्स्ट वाले के लिए चलते हैं, फर्स्ट वाले के लिए
फर्स्ट में दिखाना है कि ये जो बी डी ई देख रहे हैं इसका एरिया 1/4 होगा इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, है ना जी। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू में सी इक्वल टू में एक्स, ठीक है। एक्स सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ से बी डी क्या हो जाएगा, वो तो हाफ ऑफ बी सी ना होगा जी, यानी आ जाएगा एक्स बाई टू। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन सा जी, तो हमें जो फर्स्ट में दिखाना था क्या नाम है उसका, बी डी ई, और बाई में लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद बी डी इक्विलेटरल है ना जी, तो रूट 3/4 उसके साइड यानी एक्स बाई टू का स्क्वायर, और इसका होता है रूट 3/4 साइड इसका एक्स दिया है एक्स का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल आ जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर बाई फोर बाई में एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल वन टाइम्स में, और इधर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या आ जाएगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला तो काम हो गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड के लिए चलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड में दिखाना है कि इस बी डी ई का जो एरिया होगा वह ए बी ई का हाफ होगा, तो चलिए इसके लिए हम लोग चलते हैं। हमारे पास एंगल ए सी बी इक्वल टू में एंगल ई बी डी, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलेटर है तो हर एक एंगल 60 होगा, है ना जी। क्यों? क्योंकि लिख सकते हैं एंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई आर इक्विलेटरल, ठीक है ना जी, इसलिए ऐसा लिख देना। तो जब इक्विलेटर होगा तो ये देखो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं, बाई कन्वर्ज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बी ई पैरेलल हो जाएगा ए सी के, ठीक है। तो जब ये पैरेलल हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे, जब ये इसके पैरेलल हो जाते हैं यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल आपका सी बी ई है आर ऑन द सेम बेस बी ई एंड बिटवीन द सेम पैरलर्स बी ई एंड ए सी, इनका एरिया इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई जो होगा इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ई के, ठीक है। तो इनका एरिया इक्वल हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास दिया है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ई डी होगा, ई डी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ई बी सी, तो इसका मीडियन होगा ये, जिसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई जो होगा वह हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कौन सा सी बी ई, इस ट्रायंगल का हाफ हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ई के जगह पे क्या करेंगे, ये वाला ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जो हमें प्रूफ करके दिखाना था। प्रूफ हो गया, चलते हैं नेक्स्ट इसके थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में हमें क्या दिखाना है, थर्ड नंबर में हमें दिखाना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर ये जो आपका देख रहे हैं बी एफ ई ये इक्वल होगा इस ए एफ डी के, तो ए एफ डी डी को ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, है ना, ए से डी को, फिर इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने ज्वाइन कर दिया। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग ए बी पैरेलल टू ई डी लिख पाएंगे कैसे, क्योंकि देखो ये आपका 60 डिग्री है और ये भी 60 होगा, तो दोनों 60 60, इसलिए ये पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ई डी बी इक्वल टू में 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई
आर इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, तो इसलिए हो रहा है। तो देखिए जब ये एंगल इक्वल होना है इसका मतलब यहां लिख सकते हैं बाई कन्वर्ज ऑफ, कन्वर्ज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या हो जाएगा यहां पर ए बी पैरेलल हो जाएगा ई डी के, ठीक है ना जी, पैरेलल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल मिलेंगे, कौन कौन से जी, ये वाला और ये वाला ले लेते, दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल के इक्वल में है। द ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस ई डी एंड बिटवीन द, एंड बिटवीन द, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, कौन कौन से जी, आपका ए बी एंड ई डी, तो इनका क्या हो जाएगा एरिया इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है ना जी, दोनों का एरिया। तो ये जो ये इसमें एक्स्ट्रा है ये इसमें भी और इसमें, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी इन बोथ साइड। तो देखिए क्या हो जाएगा बोथ साइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी और माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम बी डी ई में से अगर आप एफ ई डी हटा लेंगे तो ये वाला बचेगा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई, और इधर देखिए ए ई डी में से, ए ई डी में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी, जो कि हमें प्रूव करना था, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में, चलिए फोर नंबर में देखते हैं क्या दिखाना है। फोर नंबर में हमें दिखाना है, फोर नंबर में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा ना वो टू टाइम्स होगा बी ई सी के एरिया के, ठीक है ना जी। तो अब एक काम करते हैं यहाँ पर, देखिए उसके एरिया का टू टाइम्स होगा, हमने यहाँ पे देखा है कि ई डी जो है ना, ई डी इज अ मीडियन ऑफ, मीडियन ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, इसका ये मीडियन है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई जो होगा, या है ना बी डी ई जो होगा, ठीक है ना जी, वह वह वन बाई टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी के, इस पूरे का वन बाई टू, यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी इक्वल टू में टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। हमने ऊपर प्रूव किया था, याद होना चाहिए आपको, कि ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में हमने दिखाया था, ऊपर हम लोग प्रूव अबव किए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई जो होगा फर्स्ट वाले में वन बाई फोर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है, फर्स्ट वाले में ही प्रूव किए थे। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी इक्वल टू में टू इंटू में वन बाई फोर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको यहाँ से टू टाइम्स में कर देंगे, इसको ले लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो हो जाएगा वह टू टाइम्स हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी के, ये भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। सिक्स नंबर में दिखाना है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगल बी एफ ई, इसका एरिया जो होगा दो, टू टाइम्स होगा इस ट्रायंगल ई एफ डी के एरिया की, ये हमें दिखाना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ए से इस पे एल्टीट्यूड खींच लेते हैं और यहाँ ई से इस पे एल्टीट्यूड खींच लेते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पर सपोज इसको कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना कैपिटल एच है, और इधर स्मॉल एच से डिनोट कर देते हैं। मैं एरिया निकालने के लिए ऐसे ये खींच रहा हूँ, ठीक है, और कोई खास मतलब हमें नहीं है। हमने ऊपर प्रूव किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई जो था, इसका एरिया वन बाई फोर हो रहा था पूरे ट्रायंगल ए बी सी के, है ना जी। चलिए तो इसका एरिया हम लोग वन बाई टू यहाँ पर ले सकते हैं बी डी और इंटू में आपका एच, बेस और इंटू हाइट, और इसका क्या हो जाएगा वन बाई फोर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के लिए वन बाई टू, बेस आपका पूरा बी सी और हाइट आपका हो जाएगा
यहाँ पर कैपिटल एच जो लिए थे। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना जी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से आप 1/2 काट देते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ जो आप ये जो बी डी दिख रहे हैं, बी डी बी डी को आप चाहो तो हाफ ऑफ बी सी लिख दो, या बी सी को ही हटाकर 2 times of BD लिख देंगे। बी डी इक्वल टू में एच बी डी इंटू एच इक्वल टू 1/4 BC 2 times of BD और इंटू में एच। चलिए यहाँ बी डी से बी डी हट जाएगा, इसको काट सकते हैं 2 times में। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये स्मॉल एच जो है 1/2 है कैपिटल एच का, ठीक है। इसमें एक रिलेशन हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना जी। तो चलिए जो हमें प्रूव करना था उस पर चलते हैं। हमें लेना होगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE। अच्छा ये किसके इक्वल था याद है, ऊपर हमने प्रूव किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD के। तो अगर AFD के एरिया की बात करूँ तो 1/2 बेस आपका ये हो जाएगा, क्या नाम है, FD और इंटू में हाइट हो जाएगा कैपिटल एच जो डिनोट किया है वो, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें 1/2 FD ऐसे रहने देते हैं और H की जगह पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो 2H हो जाएगा कि नहीं, 2H हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं इस 2 को बाहर कर लेते हैं और बच जाएगा 1/2 FD इंटू में H। तो अगर 1/2 FD और इंटू में H लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ इस ट्रायंगल का एरिया, है ना जी। तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE जो होगा, ये BFE जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2 times ऑफ एरिया ऑफ किसका, ये देखो ये किसका एरिया है, इस वाले का ना जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसका 6 नंबर लेते हैं, 5 नंबर लेते हैं, है ना। 6 नंबर तो हमने दिखा दिया, 5 नंबर लेते हैं। 5 नंबर में हमें क्या दिखाना है कि इस FED का जो एरिया होगा वो 1/8 होगा इस AFC के एरिया के, ठीक है ना जी। चलिए तो अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। अच्छा इसमें देखिए हमारे पास अगर बात करेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC की, तो उसमें 2 ट्रायंगल आ रहे हैं। एक आ रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, यही ना हो जाएगा जी। अच्छा ये AFD का एरिया इसके इक्वल है, है ना, ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE के इक्वल है। और ये ADC की बात करें तो ये पूरे ABC के हाफ हो जाएगा कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का हाफ हो जाएगा। और हम लोग ऊपर दिखाए हुए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो है ना वह 1/4 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, ये हमने ऊपर दिखाया हुआ है। तो ABC के जगह पे हम लोग 4 times ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC नहीं लिख सकते हैं, BDE नहीं लिख सकते, एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE और यहाँ पर प्लस में 1/2 इंटू में 4 times ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हो जाएगा। इसे हम लोग काट सकते हैं 2 times में। यहाँ आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE और प्लस में 2 times ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ऊपर आपका याद है एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE किसके इक्वल प्रूफ किया था, 2 times ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD के, है ना, प्रूफ किया था। और दूसरा यहाँ जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल इसके एरिया की बात कर रहे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE की, तो BDE में 2 ट्रायंगल है, एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका EFD, ठीक है ना। तो इसको हटाकर हम लोग चाहे तो ये लिख सकते हैं 2 into एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD, ठीक है ना जी, EFD। तो ये दोनों मिलके 3 times ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD नहीं हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे ये हम लोग अलग से घेर के लिख देते हैं, दे आर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC इक्वल टू में, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 2 times ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD प्लस 2 into में इसका 3 times ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD, 3 to 6 और 6 to 8, 8 into एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD, है ना जी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD या FED कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या हो जाएगा, ये जाएगा इसके डिवाइड में, तो 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल
AFC हो जाएगा। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in। और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सब्सक्राइब को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।